कि समय और परिस्थिति के हिसाब से संबंधों का निर्धारण होगा। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्र विदेश नीति सिर्फ और सिर्फ 1947 के बाद से अस्तित्व में आई है, उससे पहले भारत की स्वयं की स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रही है। ठीक है, अब अगर हम विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति को निर्धारित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, ठीक है, जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह के पहलू होते हैं। ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है, ये विश्व के लगभग सभी देश के साथ ये निर्धारित तत्व है कि विदेश नीति का निर्धारण मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह के तत्व करते हैं। मात्रात्मक तत्वों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तत्व जो शामिल होता है, जो मात्रात्मक है, वो है उसके भौगोलिक स्थिति। ठीक है, सो किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में उसकी भौगोलिक स्थिति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैसे? यदि कोई देश, ठीक है, लैंडलॉक है, जिसका समुद्र के लिए कोई एक्सेस नहीं है, उदाहरण के लिए अफगानिस्तान ले लो, मंगोलिया ले लो, ठीक है, तो ऐसे देशों की विदेश नीति भिन्न होगी एज कंपेयर टू उन देशों की जिनके पास समुद्र का एक्सेस है, रास्ता है। ठीक है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात की जाए तो भारत की स्थिति हिंद महासागर में ऐसी स्थिति है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अफ्रीका, एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ ओशिनिया है, ठीक है, और इसी हिंद महासागर के माध्यम से प्रशांत से भी हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, और अगर लाल सागर और भूमध्य सागर से जाए तो जुड़े हुए हम अटलांटिक से भी हैं, राइट। मतलब भारत की भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक सीमा भी है। ठीक है, उत्तर में अगर देखा जाए तो भौगोलिक सीमाएं हैं जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, लद्दाख से जुड़ी हुई है, लद्दाख के माध्यम से चीन से जुड़ी हुई है, ठीक है, इधर म्यांमार से जुड़ी हुई है, और समुद्री सीमा भी हमारी विश्व से हमें जोड़ देती है, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, भौगोलिक स्थिति भारत को एक महत्वपूर्ण फायदा करवाती है अपनी विदेश नीति के निर्धारण में। दूसरा जो कारक होता है, न केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में, किसी भी देश के परिप्रेक्ष्य में, वो है किसी भी देश की जनसंख्या। ठीक है, और किस्मत से हम दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश है। ठीक है, तो जिस देश की जनसंख्या सबसे अधिक होगी उस देश में कामगारों की संख्या भी ज्यादा होगी, मानव संसाधन भी सबसे ज्यादा होगा। ऐसे स्थिति में उस देश की विदेश नीति पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और सिर्फ जनसंख्या की हम बात नहीं कर रहे, यहां अगर जनसंख्या तकनीकी रूप से कुशल है तो विदेश नीति अलग होगी, और अगर जनसंख्या तकनीकी रूप से अकौशल है, ठीक है, तो फिर विदेश नीति अलग होगी। तो जनसंख्या और उसकी कुशलता भी एक महत्वपूर्ण कारक हो जाती है किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में। अगर कोई देश का मानव संसाधन उत्कृष्ट रूप से कौशल प्राप्त है तो उस देश की विदेश नीति किस तरह की होगी, ज्यादा से ज्यादा तकनीकों को बढ़ावा देने की, ज्यादा से ज्यादा सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने की। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बेटर कर सकते। क्या ऐसे देश जिसमें मानव संसाधन अधिक कुशल है तकनीकी रूप से, वहां कृषि आधारित व्यवस्था हो सकती है? काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या तकनीकी रूप से कौशल संपन्न है और तुम उससे करवाओगे कृषि या मजदूरी, राइट। और वहीं अगर किसी देश में तकनीकी कुशलता की कमी है, क्या वहां पर अत्याधुनिक तकनीकों का इजाद किया जा सकता है या उसका उपयोग किया जा सकता है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा विदेश नीति के निर्धारण में। आई बात समझ में? इसके बाद जो तीसरा कारण है,
या जो तीसरा अतत्व है जो विदेश नीति का निर्धारण करता है, वो है किसी भी देश की सेना। अगर सेना सशक्त होगी तो विदेश नीति भी मजबूत होगी, और अगर सेना सशक्त नहीं होगी या सेना की संख्या में कमी होगी तो उस देश की विदेश नीति कमजोर होगी। ठीक है, हम अगर पाकिस्तान की बात करें भारत की तुलना में, तो सेना पाकिस्तान की कमजोर है तो विदेश नीति किसकी मजबूत है? भारत की। वहीं भारत और अमेरिका की बात करें तो, ठीक है, तो मतलब क्या है, विदेश नीति का निर्धारण किससे हो रहा है? सेना के बल से भी। ठीक है, उसके बाद तकनीक, तकनीकी कुशलता, यह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किस प्रकार किसी भी देश की विदेश नीति को सशक्त बनाया जा सकता है या फिर कमजोर हो सकती है, ये कुछ मात्रात्मक तत्व है जो किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। वहीं अगर हम गुणात्मक की बात करें तो गुणात्मक तत्वों में सबसे पहला और सबसे प्रमुख तत्व जो है वो है किसी भी देश की संस्कृति। किसी भी देश की संस्कृति उसकी विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम अमेरिका की बात करें, ठीक है, तो अमेरिका की जो संस्कृति है रही है वो व्यक्तिवाद पर आधारित है, ठीक है, जो उदारवाद पर आधारित है, अमेरिकी संस्कृति। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका किन देशों को बढ़ावा देता है? उन देशों को बढ़ावा देता है जिन देशों की विदेश नीति भी उदारवादी है, या जो देश लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश की विदेश नीति में उस देश की संस्कृति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं रूस को देख लो, आक्रामक रहा है हमेशा से, साम्यवादी रूस ने बल से सोवियत संघ का गठन किया, और वही रूस आज भी आक्रामक ही है। ठीक है, इसराइल की अगर बात करें तो 1947 में जब इसराइल का गठन हुआ तो इसराइल को युद्ध लड़ना पड़ा अपने अस्तित्व के लिए, और आज भी इसराइल उसी युद्ध को लड़ रहा है, बट यहां पे युद्ध थोड़ा सा बदल गया है, अब अस्तित्व का नहीं है, अब दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने का है। बट किसी भी देश की संस्कृति उसके विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की संस्कृति क्या रही है? हमेशा से गैर आक्रमणकारी रही है। क्या हमने किसी देश पर आक्रमण किया इतिहास में? कोई ऐसा उदाहरण है? प्रमुख रूप से नहीं है। दक्षिण भारत के एक राजा थे राजेंद्र चोल, ठीक है, जिन्होंने श्रीलंका पे अपना नियंत्रण स्थापित किया था, इंडोनेशिया पे अपना नियंत्रण स्थापित किया था, और पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी को चोल सागर बना दिया था। ठीक है, वो एकमात्र ऐसा अवसर है बेटा जहां पर भारत ने किसी अन्य देश में आक्रमण किया या अपनी भौगोलिक सीमा से जाकर बाहर जाके काम किया। उसके अलावा ना अशोक, ना समुद्रगुप्त, ना अकबर, ना सल्तनत काल, ना औरंगजेब, हम अपनी भौगोलिक सीमाओं से परे नहीं गए हैं। हिंदुकुश से परे नहीं गए हम, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से आगे गए क्या कभी? नहीं, अफगानिस्तान हमारी भौगोलिक सीमा है बेटा। ठीक है, इधर तिब्बत में एंटर किया क्या हमने कभी? कभी नहीं। इधर म्यांमार? कभी नहीं। ठीक है, तो भारत जो अखंड भारत भी रहा है वो अफगानिस्तान से लेके उत्तर पूर्व तक ही रहा है, क्योंकि वही हमारी भौगोलिक सीमा है, और इस भौगोलिक सीमा से आगे हम कभी नहीं गए। तो हमने कभी भी इतिहास में जो नीति अपनाई है, जो हमारी संस्कृति है, वो गैर आक्रमण की नीति है। साथ ही साथ हमारी नीति क्या रही है? शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की, है ना। विभिन्न धर्मों का भारत में उदय हुआ, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, या फिर जो नए धर्म भारत में आए, ठीक है, उन्हें भी हमने सम्मान दिया।
अतिथि देवो भव की अवधारणा से। तो आज भी भारत की विदेश नीति किस तरह की है? क्या हम आक्रमण कर रहे किसी देश पे? नहीं। पाकिस्तान इतना परेशान कर रहा, उस पर कभी अटैक किया? नहीं। पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया 4 बार, बट हमने एक बार भी खुद से अटैक नहीं किया। चीन ने हम पे आक्रमण किया, बट हमने कभी चीन पे आक्रमण नहीं किया। ठीक है। और अगर कोई देश हमारे साथ मित्रता रखने की कोशिश कर रहा है, हमारे सामने आ रहा है, तो हमने हमेशा उसकी तरफ दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया? हमने कभी दुश्मनी का हाथ बढ़ाया? नहीं। चाहे वो देश चीनी क्यों ना हो, चाहे हमें ये पता क्यों ना हो कि ये देश हमारा दुश्मन है, बट अगर वो हमारे पास आया है बात करने, तो हमने बात की है। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये हमेशा से भारत की संस्कृति रही है, ठीक है, कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गैर आक्रमणकारी। और इसी नीति की वजह से हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि नीति सही है, बट हमें कई बार इससे नुकसान भी उठाना पड़ा है। बट उसके बावजूद हमने, क्योंकि हमारी ये सांस्कृतिक विरासत है, इस विरासत को हमने छोड़ा नहीं है। चाहे वो कार्यकाल इंदिरा गांधी का रहा हो या नरेंद्र मोदी का रहा, ठीक है, भारत ने, स्वतंत्र भारत में दो ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री देखे हैं, उसके बावजूद भी हमने उनके कार्यकाल में भी किसी पे आक्रमण नहीं किया। चाहे तो आज के टाइम पे पाक अधिकृत कश्मीर पे आक्रमण करके ले सकते अपना वापस, कोई रोक सकता है? नहीं। नेतृत्व भी शक्तिशाली है, बावजूद इसके नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत है बेटा, जो हमारी विदेश नीति का निर्धारण करती है। हाँ, बट अगर पाकिस्तान आक्रमण करे तो फिर अब नहीं छोड़ने वाले पीओके, राइट? बट हम आक्रमण नहीं करते, हम पहले किसी से नहीं उलझते। उलझते है क्या? नहीं। बट अगर कोई उलझता है तो फिर छोड़ते नहीं, राइट? डन। अगला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है नेतृत्व, कि किसी भी देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये उसकी विदेश नीति के निर्धारण में बेटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणात्मक तत्व होता है। उदाहरण के तौर पे यही भारत था, बट मनमोहन सिंह के टाइम पे कमजोर था। आंतरिक रूप से हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में। उस समय जब भारत आर्थिक रूप से अत्यधिक प्रगति कर रहा था, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही थी, 2008 के बाद जब विश्व में मंदी आ रही थी, भारत उस समय 9% 10% से तरक्की कर रहा था। अब सोचो, जहां विश्व नकारात्मक प्रगति कर रहे हैं, 1% 2% पे ग्रो कर रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं 8% 9% 10% पे। उस स्थिति में भारत के लिए क्या होना चाहिए था? एक बहुत ही सक्रिय विदेश नीति का पालन किया जाना चाहिए। भारत ने विश्व में अपनी भूमिका बहुत आगे बढ़ाई जानी चाहिए थी, बट मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं। ठीक है, 2008 में भारत पे हमला हुआ पाकिस्तान द्वारा, कुछ जवाब दिया क्या? नहीं। ठीक है, बट वही नेतृत्व बदला, ठीक है, नरेंद्र मोदी शासन में आए और फिर जब हमले होने शुरू हुए तो उसके जवाब देने भी शुरू हो गए। ठीक है, अब चाहे हम 9% 8% पे तरक्की नहीं कर रहे हो, हमारे जो ग्रोथ रेट है, समृद्धि का जो दर है, वो 7 या 8% ही है, बट फिर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम ज्यादा सक्रिय हो गए हैं, ज्यादा सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेतृत्व क्षमता है। ठीक है, यही अगर मोदी जी की जगह गडकरी साहब होते तो कुछ होता? नहीं। ठीक है, यही मोदी जी की जगह योगी जी होते तो इससे बहुत ज्यादा आक्रमणकारी होते। अब तक तो बोलते पीओके ले लेंगे, बाद में देखा जाएगा, ठीक है, विरासत साइड में रखते हैं। कल ही कह रहे थे, ठीक है, मुरली की जगह सुदर्शन की जरूरत है। ठीक है, तो डिपेंड करता है ना कि नेतृत्व कौन कर रहा है। तो विदेश नीति मात्रात्मक तत्वों से तो निर्धारित होती ही है, बट उससे ज्यादा जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है नेतृत्व, कि नेतृत्व कौन कर रहा है। ठीक है,
क्योंकि वो नेतृत्व निर्धारित करेगा कि दिशा क्या होनी चाहिए विदेश नीति की। अगर नेतृत्व मजबूत है, व्यक्तित्व शक्तिशाली है, तो फिर विदेश नीति उस हिसाब से निर्धारित होगी। और अगर नेतृत्व कमजोर है या व्यक्तित्व कमजोर है, तो फिर विदेश नीति कमजोर होगी। बेस्ट उदाहरण है बेटा मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। ठीक है, मनमोहन सिंह सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, ठीक है, सबसे प्रबुद्ध प्रधानमंत्री, बट विदेश नीति के मामले में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री। ठीक है, इनका कार्यकाल ज्यादा बड़ी घटनाओं से नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, बट अगर कहा जाए तो इन्होंने काम ऐसे किए हैं जिसका फायदा मोदी जी ने उठाया है। इन्होंने बहुत आधार तैयार किया है, बट आधार तैयार करने के साथ साथ उसे बताना भी पड़ता है कि हमने क्या किया है। ठीक है, वरना काम करो तुम 100 बोलो 10 तो सामने वाला सुनेगा 1। ठीक है, तुम काम करो 10, ठीक है, गाओ 1000 मोदी जी की तरह, ठीक है, तो सामने वाला सुनेगा कम से कम 200-300, फायदा तो वही ना। ये होता है बेटा विदेश नीति में। तो ये वो तत्व है जो किसी भी देश की विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे, यहीं पर अगर हम अमेरिका की बात करें तो अभी तुम लोग देख लेना, अमेरिका में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बाइडेन। अब अगर बाइडेन की जगह ट्रंप राष्ट्रपति बन गए, तुम देखना अमेरिका की विदेश नीति कैसे बदलती है। क्यों? क्योंकि ट्रंप भाई साहब बड़े आक्रामक है, ही इज वेरी एग्रेसिव। ठीक है, तो नेतृत्व बहुत मायने रखता है किसी भी देश की विदेश नीति में। ठीक है, हमारे पुतिन साहब को ही देख लो, शांति नहीं हो रहा है, राइट? सो ये वो पहलू है, ये वो तत्व है जो किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अगर कोई देश तकनीकी रूप से संपन्न नहीं है तो वो कमजोर होगा। वरना एक छोटा सा देश ताइवान वो आ रहा, ठीक है, बट शक्ति के मामले में वो चीन को भी आंखें दिखा रहा है। ठीक है, ये चीज तो अगर भारत जैसा होता तो ताइवान सोच के देखो, अगर जनसंख्या और क्षेत्रफल में भारत जितना होता तो ताइवान तब तो चीन गायब ही कर देता, राइट? सो इट डिपेंड्स ऑन लॉट्स ऑफ फैक्टर्स। ये बहुत सारे मामलों पर निर्भर करता है, ठीक है, कि विदेश नीति क्या होगी। आई बात समझ में? तो तत्व समझ में आ गए। अब अगर भारत की विदेश नीति की हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की शुरुआत कब से हुई बेटा? 1947। अब 1947 से हमारी विदेश नीति की अगर हम बात करें तो इससे पहले एक चीज हमें समझना होगा कि विश्व राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। इस समय विश्व युद्ध खत्म हुए 2 ही साल हुए थे, 1945 में विश्व युद्ध खत्म हुआ दूसरा, और विश्व दो ध्रुवीय हो चुका था, शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी, है ना? और जब शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी तो दोनों ही गुट जो नए देश बन रहे हैं या नए देश जो अस्तित्व में आ रहे हैं उन्हें अपने अपने गुटों में शामिल करने की कोशिश कर रहे, राइट? मतलब या तो कोई भी जो नया देश हो वो पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाए या साम्यवादी गुट में शामिल हो जाए। इसकी कोशिश अमेरिका भी कर रहा है और रूस भी कर रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, जो इस समय अंतरिम प्रधानमंत्री है, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके समक्ष एक बहुत ही बड़ी दुविधा रही कि क्या किया जाए, क्या किसी गुट में शामिल हुआ जाए, या पूंजीवादी गुट में शामिल हो या साम्यवादी गुट में शामिल। पंडित नेहरू जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की पाश्चात्य, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण की, मतलब समानता,
न्याय, मानवता, इनकी भी समझ है उन्हें, बट इनका जो झुकाव था व्यक्तिगत रूप से वो समाजवाद के प्रति था। ठीक है, यही वो व्यक्ति थे जो जिन्होंने 1936 में कांग्रेस में एक सोशलिस्ट विंग की स्थापना करने की कोशिश की। ठीक है, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो 1936 में गठित की गई थी, ठीक है, उसके पीछे दिमाग ये थे। इनके साथ सुभाष चंद्र बोस भी थे, ठीक है, तो इनकी विचारधारा समाजवादी भी, पढ़े हुए, पश्चिमी शिक्षा है, ठीक है, तो इनके समक्ष दुविधा थी जाए किधर, पूंजीवाद की तरफ या साम्यवाद की तरफ। ठीक है, और दोनों में से किसी एक गुट में शामिल होने का मतलब ये था, पंडित नेहरू का दृष्टिकोण बता रहा कि दोनों में से अगर किसी एक गुट में शामिल होते हैं तो दूसरे गुट से दुश्मनी मोल ली जाएगी और भारत को अपनी जो भी विदेश नीति निर्धारित करनी होगी वो एक गुट के परिपेक्ष में ही निर्धारित करनी होगी। तो क्या भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकेगा? नहीं। ठीक है, इसका मतलब जो नई नई स्वतंत्रता हमें मिली है उसका स्वेच्छा से त्याग किया जाए, यही होगा किसी एक गुट में शामिल होने का। अगर पूंजीवादी गुट में शामिल होता है तो अमेरिका निर्धारित करेगा कि योजनाएं किस तरह की बनेगी, किस तरह की नीतियों का पालन करेगा। क्या उस स्थिति में हम सामाजिक कल्याण की बात कर सकेंगे? नहीं। और अगर हम साम्यवादी गुट में जाते हैं तो क्या हम पूंजीवाद जैसी विचारधारा को बढ़ावा दे सकेंगे? नहीं। क्या हम व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे सकेंगे? नहीं। क्या हम उदारवाद को बढ़ावा दे सकेंगे? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी गुट में शामिल होने का मतलब यह है कि भारत अपनी नई प्राप्त स्वतंत्रता का त्याग करे। और इसीलिए पंडित नेहरू ने जो पहला कार्य किया विदेश नीति के निर्धारण में वो ये था कि एक नई नीति का निर्माण किया और वो नीति क्या कहलाई? गुट निरपेक्ष, कि हमें दोनों में से किसी गुट में शामिल। ठीक है, अब इस गुट निरपेक्षता की नीति को लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए कि ये जो गुट निरपेक्षता है यह एक तटस्थता की नीति है, ये इसकी आलोचना है बेटा, जो पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों गुट कर रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में से किसी का फायदा नहीं हुआ, ना तो भारत इसमें शामिल हुआ ना इसमें शामिल हुआ। तो जब दोनों का फायदा नहीं होगा तो दोनों आलोचना ही करेंगे ना इस नीति की। क्या कहा गया? ये एक तटस्थता की नीति है, भारत कमजोर है, भारत अंतरराष्ट्रीय जगत में किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, इसीलिए भारत तटस्थ रहना चाहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है, राइट। तो जब इसकी आलोचना की गई उस समय पंडित नेहरू द्वारा, ठीक है, ये कहा गया कि तटस्थता की नीति ये बिल्कुल भी नहीं है, भारत अपने व्यक्तिगत हितों को देखते हुए, अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में या अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में अपनी भागीदारी करेगा। जबकि तटस्थता की नीति क्या होती है? कि तुम कुछ भी करो, हम किसी भी तरीके से कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे या किसी भी तरह से कोई भी भागीदारी नहीं करेंगे। जो किसने किया? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, स्विट्जरलैंड यूरोप में है, बट ना तो पहला विश्व युद्ध लड़ा ना दूसरा विश्व युद्ध लड़ा, पूरी तरीके से स्विट्जरलैंड तटस्थ रहा है। ना मुझे फ्रांस से कोई मतलब, ना मुझे जर्मनी से कोई मतलब, ना मुझे कोई इटली से मतलब। और अगर तुम स्विट्जरलैंड की स्थिति देखो तो एक तरफ फ्रांस है, एक तरफ जर्मनी है, एक तरफ इटली है, और प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर है। बावजूद इसके स्विट्जरलैंड तटस्थ रहा, और तटस्थ रहने का मतलब किसी के तरफदारी नहीं करना, किसी को सही नहीं बोलना, किसी को गलत नहीं कहना, तुम्हें जो दिखता है तुम करो, हमें कोई मतलब। ठीक है, बट गुट निरपेक्षता की नीति तटस्थता की नीति बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पंडित नेहरू द्वारा सीधे और स्पष्ट रूप में यह कहा गया कि गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से भारत कुछ विशेष प्रयोजन या उद्देश्य अर्जित करना चाहता है। पहला उद्देश्य कि भारत शीत युद्ध का विरोध कर रहा है,
कि इस कूटनीति इस दो ध्रुवीय विश्व का भारत विरोध कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस गुटनिरपेक्षता के माध्यम से भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र बनाए रखा हुआ है। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि प्रत्येक देश अपने लिए स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करे, ठीक है। तीसरी चीज, इस गुटनिरपेक्षता का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत परिस्थिति एवं न्याय के अनुसार निर्णय करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर अमेरिका गलत है तो भारत अमेरिका को गलत ठहराएगा, और अगर किसी मुद्दे पे सोवियत संघ गलत है तो भारत सोवियत संघ को गलत ठहराएगा। तो बिना किसी गुट में शामिल हुए भारत एक स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगा अपने मुद्दों पर या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, ठीक है। स्वतंत्र विदेश नीति, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी गुट में शामिल होने का तात्पर्य यह है कि भारत अपनी विदेश नीति उस गुट की विचारधारा के अनुरूप बनाए, ठीक है। तो अगर पूंजीवादी गुट में शामिल होता है तो भारत को अपनी विदेश नीति पूंजीवाद पर आधारित करनी होगी, और अगर साम्यवादी गुट में शामिल होता है तो भारत को अपनी विदेश नीति साम्यवाद के हिसाब से बनानी होगी, ठीक है। और गुट निरपेक्षता का मतलब है दोनों में से किसी भी तरह की विदेश नीति का पालन नहीं करना, राइट। दिस इज व्हाट दिस मीन्स। सो इस तरीके से भारत द्वारा अपनी गुट निरपेक्षता की नीति की शुरुआत की गई। ये वो पहला काम था बेटा जो पंडित नेहरू द्वारा किया गया विदेश नीति के परिपेक्ष में। डन, एक तरह से आदर्शात्मक व्यवस्था रही है। सोचा जाए तो ऐसा हो सकता है क्या कि हम सही और गलत का फैसला बुद्धों को देखकर करेंगे? नहीं, किसी ना किसी एक का साथ तो देना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत की व्यक्तिगत तौर पर इतनी क्षमता नहीं है कि वो स्वतंत्र विदेश नीति निर्धारित कर सके या अमेरिका या सोवियत रूस से टक्कर ले सके, ठीक है। तो ये विदेश नीति कहीं ना कहीं आदर्शात्मक प्रतीत होती है। डन, चलिए लिख लीजिए बेटा, लिखवाना भी है क्योंकि तुम लोगों को है ना, लिखिए। पंडित नेहरू, हेडिंग दीजिए पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। भारतीय विदेश नीति का निर्माण, भारतीय विदेश नीति का निर्माण भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं, भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं एवं एवं विरासत, भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं और विरासत से अत्यधिक प्रभावित रहा है, से अत्यधिक प्रभावित रहा है। साथ ही पंडित नेहरू का आदर्श व्यक्तित्व, साथ ही पंडित नेहरू का आदर्श व्यक्तित्व विदेश नीति को